जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी हुई है, ऐसे में पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है। इसी बीच कई विदेशी एजेंसीज जैसे वर्ल्ड बैंक ने भारत की आर्थिक तरक्की पर पूरा भरोसा दिखाते हुए बड़ा बयान दिया है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत में निवेश बढ़ेगा, जिससे भारत के आर्थिक विकास को बल मिलेगा। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक ने इंडियन इकोनॉमी के लिए अपने फाइनेंशियल ईयर 2025 के इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट को 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। साथ ही बैनियल साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट में फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए विकास दर 7.5% आकी है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि साउथ एशिया का ग्रोथ आउटलेट पिछले वर्जन के मुकाबले इस बार मजबूत हुआ है। ये साल 2024 के लिए 0.4% और साल 2025 के लिए 0.3% बढ़ा है। इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भारत में निवेश की संभावनाओं का है। इसके अलावा संकट से जूझ रही पाकिस्तान और श्रीलंका की इकोनॉमी भी तेजी से उभार ले सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2025-24 में भारत में ग्रोथ 6.6% रह सकती है। आने वाले कुछ सालों में इसमें तेजी आ सकती है। वहीं दूसरी ओर वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में सर्विसेज और इंडस्ट्री की तरक्की भी अच्छी स्थिति में दिखाई दी जा रही है। साथ ही महंगाई का दबाव भी कम रहने का अनुमान है। इन सभी चीजों के चलते फाइनेंशियल सिचुएशन मजबूत होती चली जाएगी। हालांकि भारत के आगे बढ़ने की कहानी पब्लिक सेक्टर पर बहुत हद तक निर्भर करती है। देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी तक बहुत कम है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लें।